प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पूरे चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसके अंदर हमने कुछ टाइप की पॉलिनोमियल्स की पॉलिनोमियल्स को हमने रिकॉल किया था जो स्टैंडर्ड 9 में हम सीख चुके थे। ओके, तो वो उस पॉलिनोमियल के डिग्री वाइज टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, इन सब के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था हमने। उनके बाद उनके जीरोस कैसे फाइंड करते थे वो सीखा था हमने, कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। और उनके बाद हमने देखा था उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो पॉलिनोमियल है उनको एज जियोमेट्री हम कैसे शो कर सकते हैं वो देखा था। उनकी हेल्प से हमने क्या करा था, तो कि जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल्स के ग्राफ्स थे उनकी ग्राफ की हेल्प से हमने उनके जीरोस फाइंड करना सीखा था, कि अगर ग्राफ किस टाइप का हो तो हमें कितने जीरोस मिल सकते हैं। ओके, मतलब कि लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ जीरोस थे और क्यूबिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना सीखे थे। उनके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, तो जीरोस और कोएफिशिएंट इन दोनों के बीच में हमने रिलेशन डिफाइन किया था। क्योंकि ये सारी बातें हम प्रीवियस जो इंट्रोडक्शन वीडियो था चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का क्लास 10 का उसके अंदर हमने देखा था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 का क्या कह रहा हमें, क्योंकि तो एक ही क्वेश्चन हमें इस एक्सरसाइज में गिवन है। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स आर गिवन बिलो, तो यहाँ पर आपको कुछ ग्राफ्स गिवन है, किस टाइप के ग्राफ है, तो कि y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स और पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल के ग्राफ हमें गिवन है, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स समथिंग कुछ पॉलिनोमियल होगी। ओके, और सम पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, तो उसमें पी ऑफ एक्स क्या है, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स जो ग्राफ गिवन है हमें उसमें पी ऑफ एक्स है क्या है, पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकती है, लीनियर हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, 4 डिग्री की हो सकती है, 5 डिग्री की हो सकती है। ओके, सो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स, तो जो आपको ये जिस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ गिवन है उस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करें, मतलब कि एक जीरो है, दो जीरो है, थ्री जीरो है या फिर एक भी नहीं है, वो हमें बताना है। ओके, हर एक केस के अंदर, मतलब आपको 6 केसेस यहाँ पर गिवन है, मतलब 6 डिफरेंट ग्राफ्स जो गिवन है सब में हमें ऑब्जर्व करके दिखाना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस इनके मिलेंगे। तो ये बात हम कैसे डिराइव करते थे वो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर पढ़ा था। तो यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट जो ग्राफ हमें गिवन है, तो यहाँ पर ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स पर पॉलिनोमियल होगी, उनका ग्राफ हमें ये स्ट्रेट लाइन गिवन है। फिर ये ग्राफ है जो किस टाइप का है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कैसी है, तो कि y x एक्सिस को पैरेलल लाइन है। तो हमें ग्राफ जो ये सारे हैं किस फॉर्म के गिवन है, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स टाइप के गिवन है। तो जब भी आपको ग्राफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स टाइप के हो तो आपको क्या ऑब्जर्व करना है, x एक्सिस ऑब्जर्व करनी है, पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल इन x है, तो आप x एक्सिस को ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्व क्या करेंगे, तो कि x एक्सिस को जो ये पॉलिनोमियल का ग्राफ हमें गिवन है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट के अंदर इंटरसेक्ट कर पा रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है। Okay? और ये x एक्सिस दोनों क्या है, पैरेलल है, मतलब कि वो एक भी पॉइंट के अंदर इंटरसेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इनके जीरो क्या होंगे, इनके एक भी जीरो नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे इनके आंसर में, देयर इज नो जीरोस। इनके एक भी जीरोस नहीं मिलेंगे क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल के हमने क्या पढ़ा था कि मैक्सिमम कितने जीरोस मिल सकते हैं, एक जीरो मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन वो एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट के अंदर इंटरसेक्ट नहीं कर पा रही है, सो दैट्स व्हाई दे हैव नो जीरोस। ओके, तो इस पॉलिनोमियल के एक भी जीरो नहीं मिल पाएंगे हमें। अब बात करते हैं सेकंड ग्राफ की, जो आपको इस टाइप का कुछ कर्व गिवन है। ओके, तो ये भी ग्राफ किस टाइप की पॉलिनोमियल का है, y इज इक्वल टू पी ऑफ x टाइप की पॉलिनोमियल का ग्राफ हमें गिवन है, तो p ऑफ x पॉलिनोमियल टाइप है, तो x एक्सिस को ऑब्जर्व करेंगे, ये जो ग्राफ हमें गिवन है वो x एक्सिस को एक ही पॉइंट के अंदर, वन एंड ओनली वन पॉइंट के अंदर इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको y एक्सिस को कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है वो मैटर नहीं करता, हमें y इज इक्वल टू पी ऑफ x पॉलिनोमियल गिवन है, तो हमें ऑलवेज x एक्सिस को ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर x एक्सिस को ग्राफ जो है y इज इक्वल टू पी ऑफ x का जो कर्व हमें गिवन है वो कितने पॉइंट के अंदर इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्सिस को एक ही पॉइंट के अंदर इंटरसेक्ट कर रहा है, सो दे हैव वन जीरो। इनके कितने जीरो मिलेंगे, वन जीरो, मतलब यहाँ पर x की एक ही, वन एंड ओनली वन वैल्यू मिलेगी।
क्योंकि ये ग्राफ कुछ भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक कुछ भी हो सकता है, तो सबके मैक्सिमम 2, 3, 4, 0 हो सकते हैं, लेकिन कई बार हमें कुछ ऐसे भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मिल सकती है जिसके एक ही 0, कुछ क्यूबिक पॉलीनोमियल ऐसे भी मिल सकती है जिसका एक ही 0। ओके, तो थर्ड ग्राफ देखते हैं, तो कि यहाँ पर आपको ये ग्राफ गिवन है y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स टाइप का। अगेन सारे टाइप के ग्राफ जो है वो y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स टाइप के आपको गिवन है। तो सारे ग्राफ्स के अंदर हम ऑलवेज एक्स एक्सिस ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस को ये ग्राफ जो है y इज इक्वल पी ऑफ एक्स 1, 2 और 3 पॉइंट्स के अंदर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इनके कितने जीरोस मिल पाएंगे, 3 जीरोस। ओके, इस ग्राफ के 3 जीरोस होंगे। देखते हैं फोर्थ ग्राफ, तो यहाँ पर आपको एक पैराबोला गिवन है। ओके, पैराबोला अपर साइड है, मतलब उनकी ए क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, लेकिन यहाँ पर हमें उनकी कोई जरूरत है नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई अगर पॉलीनोमियल ले ले तो ओके, पी ऑफ एक्स क्या है, कोई पॉलीनोमियल है, और हमें ग्राफ वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स का गिवन है, तो ये जो ग्राफ जो है वो वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स टाइप की पॉलीनोमियल का गिवन है हमें। ओके, तो ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट के अंदर इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने पॉइंट्स के अंदर, 2 पॉइंट्स के अंदर, सो दे हैव 2 जीरोस। ओके, दिस पॉलीनोमियल के कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, तो यहां पर और एक कर्व गिवन है आपको, किस टाइप का, तो कि y इज इक्वल टू p ऑफ x टाइप का कोई ग्राफ है जहां पर p ऑफ x क्या है, कोई पॉलीनोमियल होगी, क्यूबिक हो सकती है, 4 डिग्री की, 5 डिग्री की, कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पी ऑफ एक्स है, तो एक्स एक्सिस ऑब्जर्व करेंगे, तो एक्स एक्सिस को 1, 2, 3 और 4 चार पॉइंट के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कितने 4 पॉइंट्स के अंदर एक्स एक्सिस और ग्राफ जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके जीरोस क्या मिलेंगे, 4 जीरोस होंगे, टोटल इनके 4 जीरोस मिलेंगे। तो बाय ऑब्जर्विंग ग्राफ हमें क्या शो करना है, जो कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने थे, इनके 9 जीरोस थे, इनके यहाँ पे 1 जीरो मिलता था, वहां पे 3 थे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 4 जीरोस मिलेंगे। ओके, अब ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स आपको कोई ग्राफ गिवन है, और ये ग्राफ जो है वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट के अंदर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कि एक ये टच कर रहा है यहाँ पर, तो मतलब 2nd और ये 3। ओके, तो यहाँ पर भी टच कर रहा है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट काउंट होंगे, यहाँ पर भी ग्राफ टच कर रहा है तो एक ही पॉइंट काउंट होगा, तो ये 1, 2 और 3, तो 3 पॉइंट्स के अंदर ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इनके भी कितने जीरोस मिलेंगे, 3 जीरोस मिलेंगे। ओके, तो ये जीरोस की बात होगी ग्राफ के बाय दी ग्राफ। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी टाइप के ग्राफ को ऑब्जर्व करके इनके नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको एक्सरसाइज 2.1 के अंदर सिर्फ इतनी बार आपको निकालनी थी, इनको सॉल्व करना था, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने थे, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है।